हो गया एडजस्ट। अरे आखुन का आधा, इसलिए तो हम पर है गधा फिदा। चलो ध्यान दीजिएगा, जिसको जिसको एंगल पर कमांड नहीं है एक कौन सा एंगल पर कौन सा वैल्यू पर होता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी एक्सरसाइज 8.2 नहीं पढ़े हैं उसके लिए स्पेशली है ना, ठीक। सबको कार्य पसंद है, हम समझ रहे हैं, ठीक आ रहा ना। कुल मिला के हमको हिलना डुलना नहीं, ना हिलाना। अपना बॉडी रे चोटा। क्या हम बोल रहे थे कि अगर आप एक्सरसाइज 8.2 नहीं पढ़े हैं तो एंगल वाला जो मान है, जैसे साइन 30 मान क्या होता है, साइन 40 मान क्या होता है, इस मान में आपको कहीं कहीं समस्या आएगा। तो दो मिनट का समय लेंगे, बहुत जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि पिछला जो वीडियो है उसमें हम आपको सिखाए थे कैसे कैसे बनता है। यहाँ पर आप हम आपको सिर्फ बोलेंगे, थोड़ा देर के लिए याद कर लीजिए। साइन ए, ए जो है यहाँ एंगल है, थीटा है। यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और 90 का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह कॉस का वैल्यू, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू 1/√3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से 10 0 का मान क्या होता है 0, है कि नहीं। देखिए 10 0 का मान क्या है 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3। अब देखिए 45 में 1 ले लीजिए और इसमें √3 ले लीजिए। उसी तरह साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे का नहीं उल्टा चलता, ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हुआ ना, इसको उल्टा ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। देखिए 1 1/√3/2 ये हो गया, ये यहाँ हो गया और 0 हो गया लास्ट में, ऐसे चल गया, ठीक है ना। अब कॉसेक जो है साइन का उल्टा होगा, 0 का उल्टा क्या होता, 0 को आप 0/1 लिखते हैं ना, तो इसका उल्टा होता है 1/0, इन्वर्स इसको कहेंगे आप, क्लियर है कि नहीं। तो 1/0 को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, जिसका वैल्यू नहीं ज्ञात किया जा सकता। 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/1, तो एक नीचे में रहना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे 2। 1/√2 को क्या बोलेंगे, 1/√2 का इन्वर्स हो जाएगा √2/1, तो ऊपर में सिर्फ हो गया √2। √3/2 का 2/√3, एक का उल्टा 1/1 के कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब उसी तरह देखिए कॉस का उल्टा सेक हो गया, कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या हो गया 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1/1 ही होगा, समझ में आ रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, अगला सेक 30 का वैल्यू, तो यहाँ √3/2 है तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 का √2/1, 1 नीचे लिखते हैं क्या, नहीं, यहाँ 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, क्लियर है कि नहीं। फिर यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, उसी तरह 10 में भी है सेम टू सेम, इन्वर्स कर दीजिए, समझ में आएगा कि नहीं आ गया। तो 10 का उल्टा किस में चले जाएगा कॉट पर, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे भी अब याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दे दिए कैसे कैसे याद करना। साइन वाला अगर इधर से जा रहा है तो कॉस वाला किधर से होगा, पीछे उल्टा होगा, देखो ना ये 0 से आगे जाएगा तो ये 1 से 0 तक जाएगा, क्लियर है कि नहीं। और 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस कर दीजिए वही 10 होता है, साइन बटे कॉस को क्या पढ़ते हैं 10, आपको पढ़ाया गया था 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर है सर। तो 0/1 क्या होता है 0, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कट गया 1/√3 बचा, इसको डिवाइड करिए, ये खत्म ये भी खत्म, कितना बार में एक बार में, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर भी डिवाइड करिए, कितना बच गया √3, यहाँ 1/0 को क्या कहते हैं अपरिभाषित, 10 खत्म, साइन कॉस 10 तीनों बन गया, कोई दिक्कत। तो इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आप इसको आगे बनाइएगा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु से, यहाँ जमीन का एक बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है,
ये जो दूरी है वो कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया। कितना डिग्री यूनियन कौन है, 30 डिग्री यूनियन कौन है, क्लियर है कि नहीं है। यूनियन कौन हमेशा नीचे से बनता है, मीनार के शिखर का यूनियन कौन इतना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये है सर मीनार, आपका मीनार की ऊंचाई सपोज करो ये ए है सर, ये बी है और ये क्या है सी है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे माना ए बी कोई मीनार है। मीनार जानते हैं क्या होता, टावर होता। मीनार क्या होता है, टावर। माना ए बी कोई मीनार है जिसमें मीनार के पाद बिंदु कौन है, बी से भूमि पर स्थित कोई बिंदु कौन सा है, सी की दूरी कितना मीटर है, 30 मीटर है ना। भूमि से उन्नयन कौन, उन्नयन कौन कितना डिग्री है, क्या ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या नाम है उसका, ए बी ना, बराबर व्हाट। समझिएगा ध्यान से, आप देखिए क्या दिया है, नीचे वाला दिया है, इसको क्या कहते हैं बेस, चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर। बी और पी किसका फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। बोला है ना, पी दिया है बी दिया है, तो पी और बी जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। टेन थीटा की जगह पर बोलिए कितना रख दें, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का मान नहीं मालूम है, इसका नाम है ए बी, और सॉरी ये जो बेस है वो कितना दिया है, 30 है। टेन 30 का मान कितना पढ़ाए थे, वेरी गुड, 1/√3 बाय बराबर ए बी बाय 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इंटू रूट थ्री बराबर क्या आ जाएगा, 30 गुना 1। तो ए बी का मान चाहिए ना सर, 30 बटे रूट 3, परिमेयकरण कर देते हैं √3/√3, तो 30 √3/3, 3 9 का रूट क्या हो गया, 3 होगा कि नहीं, अरे √3 × √3 9 भी तो लिख सकते हैं इसको, 30√3 हुआ और 9 का रूट क्या होता है, 3 से कटा दीजिए 10 बार में, तो 10√3 इतना मीटर हो गया मीनार का ऊंचाई। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ध्यान देंगे यहां पर एक कोई पतंग है, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग का जो डोरी होगा वो ऐसे होगा, बोलो, अस्थायी रूप से बांध दिया तो पतंग पूरी तरह से तनित है। ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है, क्लियर है। मानक डोरी की माना क्या लिखा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना, सपोज दैट ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो मान लेते हैं माना 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग ए उड़ रही है, उड़ रही है, बोलो है ना, वही चीज है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग ये उड़ रही है, जो या जिसकी रस्सी, जिसकी डोरी जमीन के साथ, समझ में आ रहा सबको कि नहीं, कितना डिग्री कौन बना रही है, जमीन के साथ 60 डिग्री कौन पर झुकी है, कौन पर झुकी है। अब हमको डोरी की लंबाई चाहिए, डोरी की लंबाई बोले तो एसी, बराबर वाट। क्लियर है, आगे बढ़े, लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस,
ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा तो यहाँ है ना, थीटा के सामने वाला क्या आता परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी जो मामला फंस रहा वो एच और किस में फंस रहा पी में, तो एच बटे पी बोलिए, पी बटे एच बोलिए, जो भी फॉर्मूला में आपको चलना है चलिए, एच बटे पी किसका फॉर्मूला आता, वेरी गुड वेरी गुड, कॉसेक थीटा, तो बोलिए कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर एच बाई पी, एच का मान नहीं जानते इसका नाम लिख दीजिए ए सी, और परपेंडिकुलर कितना दे दिया 60, बोलिए कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता 2/3, पक्का ना ए सी बटे 60 का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सर, तो जगह 60 दूनी 120, 120 और रूट तीन हो जाएगा बटे में, क्लियर है कि नहीं, कैसे क्या समझ में आया, देखो 60 दूनी 120 हुआ और उसको उधर रहने दिए नीचे में, तो एसी निकल गया, तो एसी का फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण रूट थ्री, हर का परिमेयकरण में रूट थ्री बाय रूट थ्री, तो एसी बराबर 120 रूट थ्री बटे थ्री, तीन से 40 बार में ना 40 बार में, यानी एसी का वैल्यू 40 रूट थ्री मीटर, ये हो गया पतंग के रस्सी की लंबाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए पढ़िए क्वेश्चन को, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक लड़का है 30 मीटर ऊंचा कोई भवन, और ये लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, अब चूंकि ये डेढ़ है तो यहां से यहां भी तो डेढ़ होगा, बोलो है ना, जितना डेढ़ है इधर भी तो डेढ़ होगा, तो ओवरऑल इधर जो पूरा 30 था सरकार वो घट के कितना हो गया यहां से यहां तक एक्चुअल जो ऊंचाई हो गया 28.5, क्योंकि 30 में आप डेढ़ को माइनस कर दिए, ध्यान दीजिएगा 30 में आप डेढ़ को क्या कर दिए माइनस, क्यों घटा है, क्योंकि अब जो एंगल बनेगा यही से ना, क्योंकि लड़का का जो आंख है यहां पर है, यहां से वो ऐसे करके देख रहा, बोलो आंख से और इधर से हमको जो एंगल बनाएंगे वही यूनियन कोण होगा, पैर से थोड़ी यूनियन कोण बनेगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख भवन से शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ये जो बच्चा है आगे की ओर बढ़ता भवन की ओर, अब यहाँ आ गया, तो जो यूनियन कोण है वो 30 डिग्री था, अब ये बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, सही बात है सर, जब हम यहाँ से किसी वस्तु को ऐसे देख रहे थे थोड़ा सा ऐसा कम एंगल से देखेंगे, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे वैसे एंगल क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, बोलो है ना, तो लिखते हैं ए बी, कलर चेंज कर लेते ना तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, हाँ ए बी सी डी पढ़ते रहो ए टू जेड ना, लिख दे, माना ए बी 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, ठीक है, जी एफ, अरे ग्रैंड फादर नहीं है वो, ग्रैंड फादर नहीं है, नहीं जी एफ एक बच्चा का नाम है, जी एफ ये सब इतना बकलो है, जी एफ का मतलब वही, हम कब तुम लोग को सुधरा पाएंगे हम, जी एफ 1.5 मीटर लुढ़का की ऊंचाई, 1.5 मीटर हम कहाँ जानते थे, अच्छा कि प्रभु आप बताए हमको ये 1.5 मीटर होता है, क्लियर है, ये जो लड़का है एफ से डी की ओर बढ़ा, भवन की ओर एफ से डी तक बढ़ने पर उन्नयन कोण
30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। लड़का भवन की ओर F से D तक बढ़ने पर ओनियन कौन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब ज्ञात क्या करने बोला है, क्वेश्चन बोला है कि G से E तक कितना दूरी चला या F से D तक वो कितना दूरी चला, ये ज्ञात करें। बोल रहा है कि भवन की ओर जो लड़का है कितना दूर तक चला, ये ज्ञात करो। ठीक है ना, समझते ध्यान से। अब समकोण त्रिभुज सबको दिख रहा कि नहीं, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा, ध्यान देंगे कौन कौन, बी सी ई और बी सी जी, दो ठो बन रहा। आप यहां से यहां तक का दूरी को मान लीजिए x, हालांकि नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं मान, नहीं ना करें। ठीक, समकोण त्रिभुज बी सी ई, अब आप नीचे वाला नहीं लीजिएगा, बी ए डी में नहीं लीजिएगा, क्योंकि नीचे में समकोण त्रिभुज थोड़ी, ये तो देखो इधर से फिर मुड़ गया, तो यहाँ त्रिभुज कहाँ बना, त्रिभुज एन बना है, बी सी ई 60 डिग्री है, ये क्या है परपेंडिकुलर, चाहिए क्या आपको, क्यों ये नहीं चाहिए ना, हमको दूरी चलना बोला है, कितना दूरी चला ये नहीं पता करना है, तो इसलिए हमको ये चाहिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, P बटे बी किसका फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला। बोले टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 है, और बेस का मान क्या है सी ई, टेन 60 का मान क्या होता 28.5 बटे सी ई, तो सी ई का मान निकाल लीजिए 28.5 बटे रूट तीन, हर का परिमेयकरण रूट तीन बटे रूट तीन, तो फाइनली 28.5 रूट तीन बटे क्या हो गया तीन, दो आठ दस पाँच पंद्रह कट जाएगा, कटा दें क्या, कटा दें, कटा दें। सी ई बराबर 28.5 रूट थ्री बटे क्या हो गया थ्री, तीन से कटाते हैं ध्यान देंगे, थ्री बन जाए थ्री, तीन नम्मा 27, एक पाँच तीन पच्चे 15, एक अंक के बाद दशमलव, यानी सी ई का जो वैल्यू है 9.5 रूट थ्री इतना मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ बोलो ना एक बार, दिक्कत है तो हाँ बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में बी सी जी, सब ध्यान दे रहे हैं, कौन सा मैं बी सी जी, देखिए ध्यान से समझिएगा, पाँच नंबर वाला चैप्टर है या छः नंबर वाला चैप्टर है, तो इतना भी इजी नहीं होगा, हालांकि उतना हार्ड भी नहीं है, क्लियर है, तो इसलिए ध्यान से। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, बी सी जी लिखते हैं, समकोण त्रिभुज बी सी जी में, ध्यान देंगे बी सी जी में, आप देखिए ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस पर काम होगा, वही टेन थीटा, टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, पर परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना होगा जी सी या सी जी, बोलो हाँ, यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो टेन एक बटे रूट तीन 28.5। एक काम करो, ये जो सी जी है हमको इतना दूरी चाहिए ना, तो जी ई प्लस सी लिख सकते हैं, जी ई प्लस वन बटे रूट तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर दें, जी ई प्लस सी ई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 रूट तीन। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना, जो कंफ्यूज हो रहे हैं बिंदास एकदम बैठे रहिए और आराम से समझिए, जी ई का मान हमको ज्ञात करना है, इसको रहने देते हैं, और सी का मान अभी थोड़ी देर पहले आप लोग निकाले थे 9.5 रूट थ्री, पुट कर दें, हाँ या ना 28.5 रूट थ्री ले जाते हैं उधर, तो जी का जो मान होगा 28.5 रूट थ्री माइनस 9.5
रूट थ्री। तो जी का जो फाइनली वैल्यू हो गया 28.5 में घटाते चल दो 28.5 और 9.5 ना रूट थ्री रूट थ्री, तो यहाँ तो रूट थ्री आ जाएगा कॉमन होके, ये घटाइए जीरो हुआ 18 9 1 19.0 यानी 19 हो जाएगा 19√3 इतना मीटर हो गया आपका दूरी। ये जो लड़का चला है वो कितना दूरी चला 19√3, यहाँ से यहाँ तक जो चला है, यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो 19√3 मीटर चला है यहाँ से भवन की ओर। समझ में आया? हाँ आप बोलिए किसको किसको डाउट है, क्या मिथिलेश बोल रहे थे तो बीच में बकलो जैसे सर क्या हुआ मालूम है कि आगे चल के समझ में आ जाएगा, एकदम चिंता मुक्त रहो। आप लोग चिंता कर आप लोग मत करिए, चिंता हमको होता है ना कि हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, ये बात हमको हमेशा सताता आता है। आप याद रखिएगा बच्चा को समझने से पहले हम खुद समझते हैं कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर हम ही नहीं समझ पाएंगे तो बच्चा घंटा समझेगा, बोलो हाँ या ना। हालांकि आप लोग को घंटा नहीं समझना क्वेश्चन समझना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी शिखर। भूमि का एक बिंदु है, यह भूमि है, यहां पर एक भवन है, यह है ए यह है बी ठीक है। लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यहां इसके ऊपर में ना एगो लगा है संचार मीनार, आप देखेंगे बहुत कोई घर का छत्ता पर टावर लगवा लेता है, तो वही कोई घर है। अब बोले सर घर ऐसे थोड़ी होता है, घर तो ऐसे होता है ना सर, दुगो खिड़की होगा एक गेट होगा ऐसे ऐसे सीढ़ी होगा यहाँ पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंगे ना तो हमेशा एक सीधा रेखा में लेंगे ऐसे, समझ में आ गया। जो भी चीज ले रहे हैं आपको मोटा पतला नहीं देखना, 3D में नहीं लेना, हम सिंपल सा एक सीधा रेखा खींच लेंगे, बोलो हाँ या ना। अगर को लुड़का का भी फोटो लेना तो लुड़का का चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक लड़का बना दिया खत्म, 1.5 मीटर लंबा लड़का जैसे अभी बनाया था ठीक है कि नहीं। चलिए अब यहां पर जो है 90 डिग्री कौन बन गया, उन्नयन कोण यहीं से ना बनेगा 45 डिग्री और कितना डिग्री 60, तो बोलो ई वाला कितना डिग्री होगा जल्दी बोलो। बुढ़वा के बच्चा लोग जो छोटा है वो 45 ना होगा और ये बड़ा देखो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, क्या कंफ्यूज करते हैं आप लोग। चलो ध्यान देना उसमें उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि जो लड़का है वो चल चल के कहाँ गया था आगे की ओर। अच्छा आप ही बताइए, हम इस तरह थोड़ा सा कोई ऊंचाई वाला चीज़ को देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मेरा एंगल क्या होगा ऐसे ऐसे होते जाएगा ना, बोलो ना। बहुत आगे में एरोप्लेन उड़ रहा था, पता नहीं इधर से उड़ रहा था, मुड़ी ऐसे करता कि नहीं करता, बोलो ना यार। तो एंगल हम हमेशा सीधा क्षैतिज रेखा के साथ देखेंगे, क्षैतिज रेखा के साथ पहले ऊपर कहीं कोई चीज़ उड़ रहा था पक्षी वहाँ आता था ऐसा एंगल, जैसे जैसे ऊपर उड़ता गया वैसे वैसे हम लोग अपना इसके साथ एंगल क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो वहाँ ये था। यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि के बिंदु से ये जो जमीन है सॉरी क्या नाम है भवन 20 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर पर एक संचार मीनार लगा, ये क्या है संचार मीनार। संचार मीनार मतलब हो गया टावर, जो टीवी का टावर ले लो या कोई नेटवर्क ले लो वो फोन वगैरह वाला है ना। चलो ध्यान देना ए बी और यहाँ मान लेते हैं सी है और यहाँ पर एक मान लेते हैं पॉइंट डी है, माना ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, बोलो समझ में आ रहा है। चलो अच्छा भवन के शिखर, भवन के शिखर शिखर समझते कि नहीं, ऊपर देखो पाद बिंदु का मतलब हो गया जमीन नीचे और शिखर का मतलब हो गया ऊपर ठीक है ना। तो भवन के शिखर पर बी सी एक संचार मीनार है, बाबू समझ में आ रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, संचार मीनार की ऊंचाई या जो मीनार लगी हुई है ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार की ऊंचाई बी सी बराबर वाट। जमीन के साथ ये जो भवन का शिखर है ये 45 डिग्री के साथ झुका हुआ और मीनार का जो शिखर है वो 60 डिग्री के साथ झुका हुआ, भवन का शिखर ये वाला होगा और मीनार का शिखर 45 और 60, बोलो क्लियर है कि नहीं है।
समझना ध्यान से, समकोण त्रिभुज पहले छोटा वाला ले लेते हैं ए बी डी, बहुत बढ़िया, ए बी डी में सर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, हमको यही चाहिए बेस चाहिए, क्योंकि इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ठीक है, बड़ा जोर से छींक आया था, चलो ध्यान देना, परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला पर जाएंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पर बोलो जल्दी 45, परपेंडिकुलर हो गया 20 और इसका मान क्या हो गया AD, इसका वैल्यू 1, हाँ है ना, 20 बटे AD क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, AD बराबर हो गया 20 मीटर, नहीं होगा। अब समकोण त्रिभुज, बहुत बढ़िया, समकोण त्रिभुज ACD, फिर से वही करेंगे, ये पूरा और ये पूरे ले लेंगे, क्योंकि हमको संचार इतना तो ले नहीं सकता, समकोण त्रिभुज तो उधर है नहीं, तो समकोण त्रिभुज मेरा यहां ना बाबू, बोलो हाँ या ना, तो ACD वही हो गया टेन थीटा, पी बटे बी, टेन थीटा, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, कितना है, चलो ए सी, ए सी का मान हो गया, ए सी रख देते हैं, और इसका मान कितना है ए डी, बेस तो ए डी है ना, तो यहाँ पर टेन 60 का जो वैल्यू हो गया वो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, क्योंकि ए सी जो है ए बी प्लस बी सी, तब ना ए सी होगा, बोलो जी। अब टेन 60 का मान आप जानते हैं रूट थ्री होता है, और ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है 20 है, और बी सी का मान आपको पता नहीं है, बटे में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बटे 1 करके, तो 20 रूट तीन होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या होगा 20 प्लस बी सी, क्लियर है सर, हम बी सी का मान निकालते हैं, इस 20 को इधर ले आओ, 20 रूट तीन माइनस 20 हो जाएगा, थोड़ा पकड़े कान इधर घुमा दे, बोलो बी सी बराबर 20 रूट तीन माइनस 20, समझ में आ रहा आप लोगों को, अब 20 कॉमन ले लो ना सर, इतना मीटर आंसर ध्यान दीजिएगा, 20 कॉमन लिए, इसमें भी 20, इसमें भी 20, 20 कॉमन ले लिए, तो इसके पास क्या बचा 20, और 20 का टेबल में 20 क्या बार में, एक बार में, यहाँ क्या बच गया एक, यानी फाइनली आंसर हो गया 20 रूट तीन माइनस एक, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार बोलो जल्दी से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है,